नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑल इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। लखनऊ के विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री योगी ने संबोधित करते हुए सभी महिला सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन बहुत ही विशेष है। आज सदन का दिन महिलाओं के नाम किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि माँ के समान कोई छाया सहारा नहीं है। माँ के प्रति ये भाव हर नागरिक में होना चाहिए। मातृशक्ति से सब कुछ संभव है। ये काम बहुत पहले ही होना चाहिए था। इस समय सदन में नारी शक्ति का अद्भुत नजारा दिखाई दिया। भारत में महिला पुरुष दोनों को समान अधिकार है। और एक फायर स्टेशन में पीछे की दीवार टूटने से तालाब का पानी भर गया। पानी भरने से पूरा फायर स्टेशन जलमग्न हो गया, जबकि वहां पर बने क्वार्टर में रह रही महिलाओं को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। फायर स्टेशन का पानी निकल जाने के लिए नगर पालिका और गेल के कर्मचारी जुटे रहे। लगातार दो दिन से हो रही बारिश के चलते शहर में हर तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है। वहीं इसकी वजह से फायर स्टेशन के पीछे की दीवार अचानक सेक गई, जिसके बाद उसके पीछे बने तालाब का सारा पानी फायर स्टेशन में भर गया। ये हमारा फायर सर्विस स्टेशन है। इसके जस्ट पीछे एक तालाब है, जिसमें शहर के काफ़ी जगहों से, नालों से, नहरों से पानी आता है। कल बारिश ज़्यादा तेज़ हो गई, उससे जो पीछे की दीवार है वो टूट गई है। वो दीवार गिरने से तालाब का सारा पानी इसमें आ गया है। और अभी रेस्क्यू के लिए हमने 5-6 फायर टेंडर लगवाए हैं, जिससे सक्शन करके पानी बाहर निकाला जा रहा है। लगातार हो रही बारिश और धूप की वजह से बीमारियों के फैलने का सिलसिला शुरू हो गया है। कभी बारिश कभी धूप होती है। बलरामपुर के देवर गांव में बासी लड्डू खाने से 15 लोग बीमार हो गए। हालत बिगड़ने पर सभी मरीजों को एम्बुलेंस से सीएससी अतरौला भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। सभी की हालत सामान्य बताई गई है। पीलीभीत में जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लाखशार ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीएमओ और सीएमएस मौके पर मौजूद रहे। वहीं निरीक्षण के दौरान कई खामियां भी नजर आईं, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही जिलाधिकारी ने मरीजों से वार्तालाप किया और उनकी समस्याओं को जाना। देखिए, आज मैंने जिला अस्पताल और जो महिला जिला अस्पताल है, उन दोनों का निरीक्षण किया। और निरीक्षण का जो उद्देश्य है वो है कि जो शासन की योजना है वो सभी लाभार्थियों तक पहुंचे, और जैसे दवा है तो निःशुल्क वितरण है तो वो सुनिश्चित हो रहा नहीं हो रहा है। जो शासन की योजनाओं में जैसे जो भी बेड पे मरीज भर्ती है उनको जो खाना दिया जा रहा है वो खाना उनको मिल रहा नहीं मिल रहा है। जो भी निःशुल्क टेस्ट होने हैं वो निःशुल्क हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, और किसी प्रकार की धनराशि वगैरह तो नहीं ली जा रही है। इसके अलावा अस्पताल में जो भी सुविधाएँ हैं उन सबका मैंने निरीक्षण किया है, और जाँच की जो भी सुविधाएँ हैं, सीटी स्कैन है और जितने एक्सरे हैं, सभी जो जांच की सुविधाएं हैं उनको देखा है। मैनपुरी में लगातार हो रही रिमझिम बारिश की वजह से नगला बली में देर रात एक मकान की दीवार अचानक गिर गई, जिसमें 42 वर्षीय महिला की मौत हो गई। साथ ही दो जानवर भी दीवार के नीचे दबने से घायल हुए। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची थाना पुलिस और उप जिलाधिकारी ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फरुखाबाद में बारिश से युवा आवास के सामने जर्जर भवन गिर गया, जिससे बालिका कर्मी और उसका परिवार बाल बाल बच गया। बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब भवन जर्जर था तो उसमें बालिका कर्मी का परिवार रह क्यों रहा था। इसका जवाब खुद पालिका के जिम्मेदारों के पास नहीं है। अपना गला फंसता देख तत्काल पालिका कर्मी को भवन खाली करने का नोटिस थमा दिया गया। इससे पहले कोई जनहानि होती तो जवाबदेही आखिर किसकी होती। हमीरपुर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश आफत बनी हुई है। बारिश के कारण नेशनल हाईवे 34 पर पानी का सैलाब आ गया। इसके कारण नेशनल हाईवे के किनारे बसे गांव में खेतों की बांध टूट गई। बांध टूटने से रिहायशी इलाकों में बारिश का पानी घुस गया। वहीं बारिश के बाद आए सैलाब से कई कच्चे मकान टूट गए। सीतापुर में कृषि विभाग का बाबू गिरफ्तार किया गया है और एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया। एंटी करप्शन टीम ने फर्टिलाइजर विभाग के बाबू को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा है। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। सहारनपुर के जिला सैनिक कल्याण विभाग में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहीद सैनिकों को प्रतिपक्ष में श्रद्धा नमन शहीद अर्पित किए गए और साथ ही सैनिक श्रद्धा कार्यक्रम कराया गया। संयोजक अंकित शुक्ला के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंकित शुक्ला ने कहा कि शहीदों का बलिदान हम सबके लिए स्वर्णिम भविष्य की धारशिला थी। उन शहीद सैनिक प्रतिपक्ष में जल समर्पित श्रद्धांजलि अर्पित करने का हम सभी ने संकल्प लिया है। हरदोई के शाहबाद कोतवाली में जेब कतरों ने एक रिटायर्ड
टीचर की जेब काट कर 1 लाख रुपए उड़ा लिए। रिटायर्ड टीचर अपनी बेटी की शादी के लिए बैंक से रुपए निकाल कर एक शख्स अपने घर वापस जा रहा था। एसपी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि शाहबाद पुलिस जेबकतरों की तलाश में जुटी है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि शाहबाद में जेबकतरों का गैंग तेजी के साथ सक्रिय है। अवतार है ये जंगलिया मोहल्ला शाहबाद के रहने वाले हैं। ये वहाँ पे आर्यावर्त ग्रामीण बैंक से 1 लाख रुपए निकाले थे, ऑटो में बैठे और थोड़ी दूर ऑटो चलने के बाद एक सवारी और बैठ गई, थोड़ी दूर पे एक दूसरी सवारी बैठ गई, ये बीच में बैठे थे। जब ये उतरे तो इनके जेब कटी हुई थी, पैसा नहीं था, तो इस पर तलाश की जा रही है। और जिन्होंने जेब काटा वो उतर के ऑटो से भाग गए हैं, सीसीटीवी फुटेज देखा जा रहा है और शीघ्र ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा। मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मथुरा के थाना मांड पुलिस और सर्विलांस और स्वाट टीम द्वारा संयुक्त रूप से मांड क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान थाना क्षेत्र के अंडरपास के समीप शातिर अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए शातिर के कब्जे से अवैध असलाह, हजारों की नकदी और सोने चांदी के आभूषण भी बरामद किए गए हैं। मांड पुलिस और हमारी जो सर्विलांस और स्वाट टीम है, इन लोगों के द्वारा एक अपराध और अपराधियों के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें कि आज सफलता मिली कि सुबह तड़के लगभग 4 बजे एक व्यक्ति को नसीटी अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से अवैध तमंचा, कारतूस और कैंची नुमा हथियार, इन्वर्टर इस्तेमाली और कुछ जो है इसके पास से जो सफ़ेद धातु की ये जेवरात बरामद हुए हैं। इसके पूछताछ की गई तो इससे ये पता चला कि जो इसके नौजील मार्ट और आपके राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर बुलंदशहर पहुंचे। यहां उन्होंने गुलाबजी नगर पालिका आयोजित में हुए कैच द रेन प्रोग्राम में आमजन को संबोधित किया। वहीं नगर पालिका आईओ निहारिका चौहान ने भी जल के बचाव को लेकर आमजन को जागरूक रहने का संदेश दिया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।